गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग का बहुमूल्य समय का बचत होगा, साथ ही साथ एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स का आप 100% सही सही जवाब देकर अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। आज जो हम फार्मूला आपको शेयर करने वाले हैं, इस फार्मूला को ओम्स लॉ पाई चार्ट कहा जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि ओम्स लॉ पाई चार्ट की सहायता से हम लोग किस प्रकार वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध तथा पावर का मान ज्ञात करते हैं। केवल दो राशि का मान ज्ञात होने पर स्टूडेंट्स, ये रहा हम लोग का ओम्स लॉ पाई चार्ट। इस चार्ट की सहायता से हम लोग वोल्टेज, रेसिस्टर, पावर और करंट, इनका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं दो राशियों का मान ज्ञात होने पर। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि करंट और प्रतिरोध का गुणनफल वोल्टेज होता है, जबकि पावर और करंट को डिवाइड कर हम लोग वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस चार्ट में वोल्टेज का मान ज्ञात करने का एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, अर्थात पावर और प्रतिरोध का मान ज्ञात होने पर भी हम लोग वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार रेसिस्टर का मान ज्ञात करने के लिए यदि वोल्टेज और करंट का मान ज्ञात हो, या वोल्टेज और पावर का मान ज्ञात हो, या पावर और करंट का मान ज्ञात हो, तो हम आसानी से इस नियम पर ओम का मान अर्थात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ पावर ज्ञात करने के लिए भी हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूला में, इस चार्ट में एक कॉलम बना हुआ है। वोल्टेज और करंट का मान ज्ञात होने पर, या करंट और प्रतिरोध का मान ज्ञात होने पर, या वोल्टेज और प्रतिरोध का मान ज्ञात होने पर भी हम लोग पावर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार वोल्टेज और रेसिस्टर का मान ज्ञात होने पर, या पावर और वोल्टेज का मान ज्ञात होने पर, या पावर और रेसिस्टर का मान ज्ञात होने पर हम लोग सर्किट से बहने वाले करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह पाई चार्ट आपको एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काफ़ी मदद कर सकता है, अतः इस पाई चार्ट को आप हमेशा अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में रखेंगे। अगर आप इसे अपने साथ रखते हैं तो 99% क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।